नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेएनयू में छात्रों के संग जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर लगातार जो सियासत है वो जारी है, बयानबाजी जो है वो आ रही है, बयानबाजी निकल के आ रही है। जरा सुनिए जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी क्या कुछ कह रहे हैं। रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस से, छात्र से मैं इस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन बड़े लोगों ने मंचों से संकेत दिए थे और टुकड़े टुकड़े गैंग कहे थे और जेएनयू का नाम लिए थे, वो क्या कहना चाहते थे, उन लोगों को भी आउटपुट लेना चाहिए। अगर कानून सर्वोपरि है तो व्यक्ति चाहे जिस पद पर हो, व्यक्ति और पद की गरिमा नहीं देखी जाएगी, कानून की वीरता और कानून की मर्यादा समझी जाएगी। देश के शैक्षणिक संस्थानों में भारत के भविष्य के कलेजे में लोग हाथ डालने का प्रयास किए हैं, इसकी निंदा से काम नहीं चलेगी। 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस उन आतंकियों को जो नकाब पहन कर आए थे और बच्चों पर जानलेवा हमला किए, 24 घंटे के अंदर कानून के हवाले करके पूरे देश के छात्रों का विश्वास लोगों को जीत लेना चाहिए। अगर इसमें लोग देर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये शर्म की बात नहीं, बल्कि हमारे देश के छात्रों का विश्वास प्रशासन से, कानून से, दोनों से। आपने सुना किस तरीके से तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने साफ कहा कि आदमी चाहे किसी भी पद पर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग को नसीहत देने वाले चाहे कितने भी बड़े हैं क्यों ना हो, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और कोई भी पद पर हो कानून अपना काम करे और तुरंत गिरफ्तारियां हो। 24 घंटे का टाइम भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू जो है बिहार में इस मुद्दे को लेकर पूरी खिसियाई हुई है, निंदा करने की तो बात ही नहीं है, साफ कर दिया है गुलाम रसूल बलियावी ने। और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सियासत है वो और गर्म होगी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है सीधा सीधी कि उन्होंने हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की है। 3 घंटे तक ये खौफनाक जो मंजर है वो चला, लेकिन पुलिस जो है वो अंदर घुसने नहीं दे रही थी। जब एक्स स्टूडेंट जो थे जेएनयू के, वो जब अंदर जाना चाह रहे थे उस वक्त उन्हें अंदर घुसने दिया गया। इसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर भी लगातार जितने छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह आंदोलन जो है वो आगे चल के क्या क्या रंग दिखाती है, वो देखने वाली बात होगी। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।